सभोपदेशक अध्याय 9 सभोपदेशक अध्याय 9 मैंने यह सब कुछ मन लगाकर विचार किया कि इन सब बातों का भेद पाओ, तब पता लगा कि धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह न प्रेम जानता है न बैर। सब घटनाएं सबको एक समान होती है, धर्मी दुष्ट, भले शुद्ध अशुद्ध, यज्ञ करने वाले और न करने वाले, सबों की एक ही सी दशा होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा, वैसी ही पापी की दशा। जैसे शपथ खाने वाले की दशा, वैसे ही वह है जो शपथ खाने से डरते हैं। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और फिर मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं, क्योंकि उसको जो सब जीवितों में मिला हुआ है उसको भरोसा है। इसलिए जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है, क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि हम मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह अब नाश हो चुके, और जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें उनका फिर सदा के लिए कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर, और अपना दाख मधु मन से सुख मान कर पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में अपने व्यर्थ जीवन के दिन बिताना, क्योंकि तेरे जीवन में और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम है न युक्ति, वहां न ज्ञान और न बुद्धि काम देती है। मैंने फिर कर धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, फिर न तो बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं और न समझने वाले धन, और न प्रवीणों को अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदायी जल में बहती और चिड़िये फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदायी समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की भी बुद्धि की बात देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। अर्थात एक छोटा सा नगर था और उसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े कोट बनवाए, और उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, परंतु किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है, तो भी उस दरिद्र की बुद्धि तुच्छ की जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वह मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है, और एक पापी से बहुत भलाई नाश होती है।